हेलो एवरीवन, मैं ममता चौरसिया और आज मैं आप सभी लोगों के लिए आलू और पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस सब्जी को आप एक बार जरूर बना के देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसको हम हाथों से ही ऐसे तोड़ लेंगे। आपको इसको हाथों से ही क्रश कर लेना है और यहाँ पर हम हाथों से क्रश करेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही गाढ़ी बनेगी। और अब यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है, पनीर मैंने आधा किलो लिया है। इसको चाहे आप क्यूब में काटिए या स्क्वायर में काटिए। तो पैन में अब मैं 3 बड़ी चम्मच सरसों का तेल गरम कर लूंगी और इसके अंदर हम पनीर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब ये गोल्डन क्रिस्प हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे पनीर को। तो बचे हुए तेल का हम दोबारा यूज करेंगे। अब बचे हुए तेल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इस कढ़ाई में मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, इसको हम तेल में डाल देंगे और इसको कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, जो ताकि जो तेल में इसका फ्लेवर है वो चला जाए। तो अब हम बाद में डालेंगे यहाँ पर प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज काट लिए हैं और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज का जो है अच्छे से गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर आपको 5 से 7 मिनट आसानी से लग जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे तो प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट डाल दिया है। इस पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये पेस्ट देखेंगे आप अच्छे से भून चुका है। अब हम सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसालों में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने और उसके बाद मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच डालेंगे अब हम धनिया पाउडर। तो यहाँ पर धनिया पाउडर भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम 1 चम्मच से थोड़ा कम डाल रहे हैं यहाँ पर गरम मसाला और साथ में मैं डालूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ नमक मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। अब इन मसालों को हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से एक बार 1 मिनट तक चला लेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्लेम को स्लो कर लेना है वरना ये जो सूखे मसाले हैं वो जलने लग जाएंगे। अब हम साथ में ही टमाटो प्यूरी डाल दें। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर और 6 से 7 जो हरी मिर्च है उसको पीस लिया था मिक्सी में, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब इस टमाटर के पेस्ट को भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो हम देखेंगे कि जो साइड है ये देखिए ऑयल आ रहा है, तो इसका मतलब जो पेस्ट है अब अच्छे से भूनने लग गया है। तो हमें इसी पेस्ट को अच्छे से और भून लेना है। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से भून चुका है। अब हम उबले हुए जो आलू है इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ में ही मैं जो पनीर फ्राई करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आलू और जो पनीर है उसको हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको चलाना है कि हमारे जो पनीर है वो टूटे ना। तो हल्के हाथों से हम एक बार इसको मसाला में मिक्स कर देंगे। तो ये जो सारी जो सब्जी में है मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम साथ में ही हम पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी में और यहाँ पर अब हम सब्जी को हम कवर करके रख देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए 10 से 12 मिनट हम इसको बाद में चेक करेंगे। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं ये देखिए, और सब्जी में जो कलर है वो भी अच्छा आ चुका है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद ये सब्जी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस सब्जी को आप रोटी और राइस दोनों के साथ खा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये जो ग्रेवी है और गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगली बार किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।